नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। जो जाते हुए साल में आने वाला साल आपको क्या कुछ देने वाला है, विस्तार से आज बहुत विस्तार से और बहुत खास जानकारियों के साथ मौजूद हैं, बताएंगे आपको। जरूर ध्यान से देखते रहिएगा आज का पूरा कालचक्र, क्योंकि अगले 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने होगा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। क्या 2024 आपके जख्म भरेगा? क्या 2024 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2024 बेहतरीन साल होगा? 2024 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2024 सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज है साल का आखिरी दिन। अगर साल 2023 में आपने बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, नौकरी में मुश्किलें उठानी पड़ी हैं, हर मोड़ पर आपको संघर्ष करते रहना पड़ा है, निवेश से नुकसान की स्थिति उत्पन्न हुई है, दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ है या फिर बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो राशि अनुसार जानिए आज साल 2024 का पूरा लेखा जोखा। साल 2024 के किस महीने आपको तरक्की मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, साल 2024 में कब आपको टेंशन झेलनी पड़ सकती है और कब सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, आज सुरेश पांडे जी आप सभी को साल 2024 की सबसे सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार पूरे साल का लेखा जोखा बताएंगे। तो टीवी छोड़कर कहीं मत जाइए सबसे पहले, और अपनी चर्चा को आज शुरू करें उससे पहले आइए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त और उसके बाद आगे की चर्चा। आज 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:55 तक, इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा, ये मूल संज्ञक नक्षत्र है, और प्रीति योग रात 3:41 तक, इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6:00 तक, यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:24 से 1:42 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:59 से शाम 4:17 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब, क्योंकि जाता हुआ साल हम सब के लिए बहुत सारी यादें छोड़े जा रहा है और आने वाला साल बहुत सारी यादें बनाएगा, बहुत कुछ ऐसा नया जीवन में होगा जिसके माध्यम से हम अपने उन लक्ष्यों को छुएंगे जिसका सपना हम सब देखते हैं, इसलिए आज की चर्चा बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। आइए शुरू करते हैं अब आज की चर्चा और राशि अनुसार 2024 का पूरा लेखा जोखा आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत मेष राशि के जातकों के साथ। मेष राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, कब आपको तरक्की मिलेगी, कब पैसा बढ़ेगा, कब आपकी किस्मत खुल सकती है, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, पंडित जी मेष राशि वालों के लिए 2024 क्या कहता है? देखो, अगर आपकी मेष राशि है, ठीक है, अगर आपकी मेष राशि है तो आप ये मान के चलिए कि आपके राशि में अप्रैल 2024 तक बृहस्पति रहने वाले हैं और आपके एकादश भाव में पूरे साल शनिदेव रहने वाले हैं और आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु पूरे साल रहने वाला है और आपके कुंडली के छठे भाव में केतु पूरे साल रहने वाला है। तो कहने का मतलब जनवरी 2024 की शुरुआत संघर्षपूर्ण होगी, लेकिन कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी बीमारी महसूस हो रही है तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेकर दवाई करें, शरीर से लापरवाही बिल्कुल ना करें, मेरा ये सुझाव जरूर मानिएगा। फरवरी 2024 की बात करें तो जो ग्रहों का ट्रांजिट आपकी राशि को दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी के कागज हैं या आपका पासपोर्ट वगैरह है, इन सब चीज़ों को संभाल करके रखें और अपने विरोधियों पर भी क्रोध करने की कोशिश ना करें। और ये महीना आपको कर्ज उतारने का सबसे अच्छा महीना है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई देनदारी है तो कोशिश करिए कि इस महीने में आप उसको उतारिए। मार्च के महीने का जो आपका ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहने वाला है।
आप कहीं पैसा लगा सकते हैं, शेयर में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, कार्य क्षेत्र या शिक्षा में तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अप्रैल का महीना आपको ये संकेत कर रहा है कि जो भी डिसीजन लेना हो आप समझ सोच के लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस महीने आपको तनाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप विवाह योग्य हैं तो कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और पुराने रोगों से भी आपको निजात मिलेगी। मई 2024 में काम, रिश्ते और सेहत ये बेहतर होंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे जिससे आपकी आजीविका श्रेष्ठ होगी। सफलता के लिए अच्छी योजनाएं बनानी होंगी। जुलाई 2024 कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। इसी तरह से अगस्त 2024 का जो महीना होगा उसमें बकरी शुक्र असफलता का कारण बना सकता है, संभल कर रहिएगा। खास करके वो लोग संभल के रहें जो मीडिया या ग्लैमर की दुनिया में है। सितंबर 2024 कुछ रुकावटें आएंगी, पूरा पेशेंस, पूरा धैर्य बना करके काम करें, विचलित ना हो। अक्टूबर की महीने में अगर आपको अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके चलने की कोशिश करिए। नवंबर 2024 में संघर्ष आएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि सफलता भी बाद में मिलेगी। इसी क्रम में दिसंबर का जो महीना है 2024 का, वो मंगल, बुध और सूर्य ये तीनों ग्रह आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और सन 2025 की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी होगी। बस इस पूरे साल आपको करना क्या है ये बात आप जान लीजिए। पूरे साल आपको सुबह शाम राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है, या गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना है, या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना है। अगर ये तीनों उपाय में से कोई एक उपाय अपना लेंगे आप, तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पूरे साल का लेखा जोखा एक एक राशि के अनुसार हर महीने आपका कैसा बीतने वाला है, इसलिए पेन डाउन करना हो तो कर लीजिए। किन महीनों में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है आज ही के दिन, साल के जाते जाते इस 31 दिसंबर के दिन आपको ये भी जानकारी विशेष तौर पर कालचक्र पर मिलने वाली है। तो मेष राशि के जातकों की बात हो गई, चलिए अब जल्दी से वृषभ राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। साल 2024 का आपका पूरा गुणागणित क्या कहता है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप ये मान के चलिए कि आपके आजीविका के स्थान में पूरे साल शनिदेव बैठे रहेंगे और आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में राहु की स्थिति पूरे साल रहेगी और आपके पंचम भाव में, संतान भाव में केतु की स्थिति रहेगी। ये ग्रह गोचर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपका रुका हुआ पैसा, आपका कहीं दिया हुआ पैसा, आपका कोई विदेश में रुका हुआ पेमेंट, वो आपको मिल जाएगा। विदेश में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रांजिट इस बात का संकेत करता है कि आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपको संभल कर फैसले लेना चाहिए। फरवरी 2024 की बात करें तो ट्रांजिट के आधार पर अगर फरवरी 2024 हम देख रहे हैं तो बहुत समय से रुका हुआ कोई आपका लक्ष्य अगर है तो वो आपको मिल सकता है, जिसकी बहुत खुशी आपको होगी। अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए जो विवाह के योग्य हैं उनके विवाह के अवसर बनेंगे और कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अप्रैल 2024 में आपका भाग्य मजबूत रहेगा, सुनहरे अवसर मिलेंगे, कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको सतर्क रहना है और अपनी योजनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना है। और मई 2024 में आपको निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, सुनहरे अवसर मिलेंगे, नौकरी बदलने का भी बहुत अच्छा समय रहेगा, कानूनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे और विवाह का भी योग बन रहा है। जून 2024 में जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पर कुछ रुकावटें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप व्यावसायिक कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति और शनि ये आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे और आर्थिक लाभ भी होगा।
जुलाई 2024 में धैर्य रखिएगा, कड़ी मेहनत का आपको फल मिलेगा। कुछ पारिवारिक कारणों से हो सकता है कि आपकी मानसिक एकाग्रता में कमी आए। देखिए, ये तो हर जगह होता है, जहाँ परिवार है वहाँ कुछ ऊंच नीच होता है, लेकिन आप अपने पेशेंस को और धैर्य को बनाकर अगर रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो बजट देख कर रेनोवेट करवाइएगा। बजट से बाहर जा कर के अगर आप कोई काम करेंगे इस महीने में तो वो आपके लिए आर्थिक संकट पैदा करेगा। आपको प्यार मिल सकता है, संतान का सुख मिल सकता है, क्रिएटिव लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है, आमदनी भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो इस महीने की है वो ये है अगस्त की, कि इस महीने में आप 15 अगस्त के बाद कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब सितंबर 2024 की बात है वो ये है, काम के कारण अपनों को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि व्यस्तता तो आपकी रहेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने रिश्तों को भूल जाएं। काम में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि आदमी अपने खास खास रिश्तों को भी नज़रअंदाज कर दे, फिर आप जी किसके लिए रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बना हुआ है, धन लाभ भी होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मान सम्मान और धन में वृद्धि का योग है। नवंबर 2024 जो है ये सभी रुकावटों को दूर करेगा, सभी काम में तेजी आएगी, लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आ सकते हैं और घर में क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। इसी क्रम में जो दिसंबर का महीना है, इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग स्वभाव से अच्छे नहीं हैं। रिश्तों के लिहाज से भावुक करने वाला समय है, इसलिए जिसको आपने एक बार आजमाया है और वो कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, उसके साथ पुनः आपको किसी तरह का वार्तालाप या व्यवहार या नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। और हाँ, पूरा साल आपके लिए मंगलमय रहे इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम नाम का एक चैप्टर है, अगर आप कवच का नित्य प्रातः सायं पाठ करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरा 2024 आपके लिए दिवाली बन जाएगा और बहुत बड़ा कठिन से कठिन काम आपके चरणों में आकर के गिर जाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि भगवती का इतना प्रताप इस कलिकाल में भी है। इसलिए आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपका राशि स्वामी शुक्र है, आपकी आराध्या दुर्गा हैं, इसलिए दिव्या कवचम का पाठ आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 2024 की सबसे सटीक भविष्यवाणी पंडित सुरेश पांडे जी आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। और बड़ी बात ये, आज आखिरी दिन आपको 2024 के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रथम महीने से ही किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है वो आप जान सके। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए कह रहे हैं आपको, क्योंकि हर एक मंथ का लेखा जोखा आपको पंडित जी बता रहे हैं। राशि अनुसार पेन डाउन करना हो तो जरूर अपनी कॉपी और एक कलम लेकर रखिए ताकि आप पेन डाउन कर पाए। अब आइए जल्दी से मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। 2024 में कब मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, कब बनेंगे आपके काम, कब विरोधी कर सकते हैं आपको परेशान, चलिए ये जान लेते हैं पंडित जी मिथुन राशि के लिए। और फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो खास हो जाता है। देखो आशा, मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके भाग्य स्थान में स्वगृही शनि रहेगा पूरे साल, और इनके आमदनी के स्थान में बृहस्पति रहेंगे अप्रैल तक, और इनके आजीविका के स्थान में राहु रहेगा पूरे साल, और इनके सुख स्थान में केतु रहेगा। तो भैया, जनवरी का जो महीना होगा वो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा चुनौती वाला होगा। जनवरी के महीने में आपको संपर्कों का लाभ मिलेगा, लेकिन चुनौती का महीना होगा। फरवरी 2024 परिवार और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मार्च 2024 में वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखमय रहेगा, जीवन में प्यार चारों तरफ से बरसेगा, हर रिश्ते से आपको सम्मान मिलेगा। अप्रैल 2024 में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए थोड़ी सी आपको त्याग तपस्या की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मई 2024 में मंगल और सूर्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, मान सम्मान और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन सुविधाओं के बढ़ने के बाद
अहंकार न बढ़ने पाए, ध्यान रखिएगा। जून 2024 का महीना ये एक ऐसा महीना है जब आप अगर आलस्य छोड़ देंगे और मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे ग्रहों का प्रभाव मिलेगा। अगर आप आलस्य करेंगे और काम को कल पर टालेंगे तो ये प्रभावहीन महीना होगा और इसमें आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। इसी तरह से जो जुलाई 2024 है वो आप अपने सगे संबंधियों की मदद से हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। और अगस्त की जहाँ तक बात है, अगस्त 2024 की, तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर सेल्फ डिसीजन लागू, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर अनुशासन लागू रखें, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने विचार में, अपने सोच में अनुशासन रखें, धैर्य रखते हुए समाधान ढूंढें। सितंबर का महीना अच्छा भविष्य चाहते हैं तो योजना बनाएं। अक्टूबर 2024 सूर्य केतु आपको विचलित करेंगे, करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे लेकिन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर 2022 में प्रभावशाली लोगों का साथ आपको सफलता दिला सकता है, दिखावे में कर्ज ना लें। दिसंबर 2024 ऐसी चीज़ों पर ध्यान न लगाएं जो जरूरी है, सोचे हुए काम पूरे होंगे, अग्नि से सावधान रहने की आवश्यकता है। बस उपाय आपको एक करना है कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो पूरे साल आपको निष्ठापूर्वक गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम कर लेना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा लेकिन पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले पंडित जी एक सवाल है, क्योंकि 2023 में, अब तो 2024 आ गया, 2023 में आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत कुछ उनके बारे में जाना होगा, आपके हिसाब से कईयों की जिंदगी में उतार, कईयों की जिंदगी में चढ़ाव, 2023 कैसा रहा होगा सभी के लिए? देखो सही बात तो ये है ना कि 2020-21-22 की तुलना में 23 सबके लिए अच्छा रहा है, 23 सबके लिए अच्छा रहा है। और हम 20-21-22 की तुलना में कह रहे हैं जी। हाँ, कुछ विशेष लोगों को परेशानी भी हुई है, जैसे खास करके वृश्चिक और कर्क राशि वाले कुछ अप्रत्याशित मतलब कि परेशान हुए हैं, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं से मिथुन राशि वालों को भी दिक्कत आई है, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो औसत से ज़्यादा कुछ अच्छा ही रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। लोगों को इस साल रोजी रोटी के लिए उतना नहीं भटकना पड़ा है जितना पिछले सालों में भटकना पड़ा था, तो हमारे समझ से ये साल ठीक गया है और आगे आने वाला समय और अच्छा जाए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब कर्क राशि के जातकों के बाद 2024 में कर्क राशि वालों को कौन से महीने ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है? सब कुछ आपके परिश्रम पर ही कब कब निर्भर करेगा। कौन से महीने आपका खर्च बढ़ सकता है, कौन से महीने सतर्क होकर आपको चलना होगा, साल 2024 के हर महीने का लेखा जोखा अब आपके लिए। पंडित जी देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि वर्ष के शुरुआत में केतु आपके पराक्रम भाव में रहेगा और आपके मृत्यु स्थान में शनि रहेगा, आपके भाग्य स्थान में राहु रहेगा, बृहस्पति आपके आजीविका स्थान में रहेगा। कुल मिलाकर के अगर देखें तो जनवरी 2024 आपके निजी जीवन में बदलाव करने वाला है और बड़ा चेंज करने वाला है। अच्छे अवसर प्राप्त होंगे लेकिन तनाव न लें वरना एंजाइटी के शिकार आप हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं। जो भी परिस्थिति आए उसको हल्के में लेने की कोशिश करिएगा। अवसरों का फरवरी 2024 में अवसरों का लाभ उठाइएगा, लोगों को अपनी कमजोरी का फायदा मत उठाने दीजिएगा और न ही अपने दुख को दुनिया से बांटिएगा और अपने रिश्तों को भी संभालने की कोशिश करिएगा। मार्च 2024 में स्वप्न में मत खोइए बल्कि उसको प्रैक्टिकल में उतारिए, रिश्तों में जबरदस्ती बढ़ने से बचिए, परिवार पर ध्यान दीजिए। अप्रैल 2024 जो है वो धन लाभ कराएगा लेकिन धन हानि से भी बचना चाहिए। डाइट अच्छी रखिए, रिश्तों को अनदेखी से बचिए, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। मई 2024 में संपर्कों की मदद से आपको आर्थिक लाभ होगा और यदि आपकी सेहत खराब होगी तो रोग में भी आराम मिल जाएगा। जहाँ तक जून 2024 की बात है, धार्मिक यात्रा का योग है, अवसर मिले तो पीछे ना हटिए। जुलाई 2024 की बात है,
कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन सफलता के योग बनेंगे। परिवार में अशांति, धन लाभ के योग, गलत आदत और गलत संगत से बचिए। सितंबर 2024 करियर और आर्थिक मामलों में भाग्य कमजोर रह सकता है, सेहत का साथ मिलेगा। अक्टूबर 2024 यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। परिवार में किसी तरह का शारीरिक कष्ट लोगों को संभव है। नवंबर 2024 करियर में तरक्की और आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर 2024 सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए कि शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की स्थिति भी मृत्यु भाव में है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए और हर सोमवार को शिवालय में जा कर के जल दूध बेलपत्र अर्पित कीजिए और जितना संभव हो सके नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। साल 2024 का हर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2024 में 12 राशि वालों में से किसकी किस महीने किस्मत खुलेगी, किसकी किस समय बड़ा फैसला किसको लेना पड़ सकता है, किस समय सेहत से जुड़ी समस्या सता सकती है और किस महीने रहना है सबसे ज्यादा सावधान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। क्योंकि कल की तैयारी आज से हम हमेशा कहते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए। और अब अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों के लिए 2024 के 12 महीने कैसे बीतेंगे, एक एक महीने का विस्तार से आइए लेखा जोखा जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर आपकी सिंह राशि है तो पूरे साल शनि देव की पूरी दृष्टि में आप रहेंगे। और दूसरी बात बताऊं कि आपके मृत्यु भाव में राहु रहेगा, आपके भाग्य स्थान में अप्रैल तक बृहस्पति रहेंगे। तो कहने का मतलब अप्रैल तक तो निश्चिंत रहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी में यात्रा आपके लिए शुभकारी होगी, संबंध मधुर होंगे, विवादों से बचिए, कारोबार बढ़ाने का विचार करिए। और फरवरी 2024 की बात करें तो गाड़ी या संपत्ति ये खरीदने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र की राजनीति से बचिए, यात्रा से सावधानी बरतिए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। मार्च 2024 में सेहत संभालने की कोशिश करिए, काम के साथ खुद पर भी ध्यान दीजिए, खर्च संभालिए, अवसरों का सही लाभ उठाइए। अप्रैल 2024 में गाड़ी खरीदने का योग है, लेकिन भाग दौड़ बहुत रहेगी। जो लोग सिंह राशि के जातक और इस महीने में चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए ये अलग से कहना चाहता हूँ कि आप भाग दौड़ के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, महत्वपूर्ण फैसला लेने का समय है। मई 2024 घर या कार में निवेश नहीं करना चाहिए आपको, परिवार पर ध्यान देना चाहिए, रिश्तों को संभालना चाहिए। नौकरी के अच्छे अवसर मिले तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के मामले में संभल कर रहिए, अपने कागजात संभाल कर रखिए। जून 2024 सेहत के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला है, लोग आपसे जलन कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, पैसों के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रिश्तों में धोखे की संभावना बनी हुई है। जुलाई 2024 निवेश से पहले सलाह लें, दूसरों पर हावी ना हों, बुरी आदतें छोड़ें और क्रोध ना करें। हाँ, जोखिम उठाने से बचें। अगस्त 2024 में कारोबार में मुनाफा होगा, लेकिन नौकरी में कष्ट, कंफर्ट जोन से बाहर आएं, रुकावटें सफलता में देरी का कारण बन सकती हैं। सितंबर 2024 में विवाद संभव है, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, लेन देन में सतर्क रहें, आमदनी बढ़ने का योग है। अक्टूबर 2024 में मान सम्मान बढ़ेगा, निवेश से लाभ, नौकरी में तरक्की और विवाह का योग बनेगा। नवंबर 2024 में कारोबार में शुभता, स्वास्थ्य कमजोर, संपत्ति को लेकर तनाव, कारोबार में नई साझेदारी की शुरुआत। दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी ना करें, खर्च संभालें, कर्ज से बचें, पदोन्नति के योग बनेंगे। ऐसे में आपको पूरे वर्ष भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कम से कम
24 बार नित्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रविवार के दिन सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए और यदि आप विवाहित हैं तो आपको रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद अब कन्या राशि के जातकों की बात। कन्या राशि वालों को 2024 में किस महीने ज्यादा मेहनत करनी होगी, किस महीने लेन देन कर्ज से आपको बचना होगा, किस महीने बिजनेस में आपको मुनाफा मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए 2024 के 12 महीने कैसे रहेंगे, किन उपायों के साथ आपके सभी काम बन सकते हैं, आइए सब कुछ जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो पूरे साल केतु आपके राशि में रहेगा, राहु की पूरी दृष्टि रहेगी और आपके छठे भाव में रोग के स्थान में शनि देव रहेंगे और आपके मृत्यु के स्थान में बृहस्पति रहेगा। तो कहने का मतलब है लाभ, मेहनत का फल, संपत्ति में निवेश, ये सब चीज़ें आपको जनवरी में प्राप्त होने वाली हैं। फरवरी में विरोधी मजबूत हैं लेकिन धैर्य मत खोइएगा, कानूनी मामलों में संभल कर चलिएगा, आगे समय ठीक होगा। मार्च 2024 में अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करिएगा, बजट बनाकर चलिएगा, लुभाने लुभावने ऑफर्स से बचिएगा, सेहत को संभालिएगा। अप्रैल 2024 में मैं बताना चाहूँगा कि आपको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, अपनों का सम्मान करना सीखिए। जहाँ तक कन्या राशि के जातकों के मई के महीने का प्रश्न है तो फैसला लेने का समय है, आलस्य छोड़िए और अपना काम दूसरों पर मत छोड़िए और अपने ऊपर दूसरों को हावी न होने दीजिए। जून 2024 की जो बात है, सेहत और खर्च संभाल कर रखिए, संभाल कर निवेश करिए, धैर्य रखिए। बहुत अच्छा ट्रांजिट आपका नहीं है, ये समझ के चलिए कि पूरा साल आपके लिए चैलेंजिंग है। जुलाई 2024 में आज के बारे में सोचें और बुरे आर्थिक फैसले लेने से बचें, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखें। अगस्त 2024 क्लेश से बचने की जरूरत है, अपनों से दूरी ना हो, गलतियां ना दोहराएं, मानसिक स्वास्थ्य संभाल कर रखें। और सितंबर में तो सेहत तो एकदम ठीक रखने की कोशिश करिए, कानूनी मामलों में भाग्य आपका साथ देगा, कारोबार में लाभ तो मिलेगा लेकिन रिश्तों में उथल पुथल दिखाई देगी। अक्टूबर 2024 की जहां तक बात है, नौकरी पर संकट, राजनीति से बचिए, तनाव बढ़ेगा। नवंबर 2024 की जो बात है, कानूनी मामलों में उलझन, शिक्षा में सफलता, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। दिसंबर 2024 में कन्या राशि के जातकों को नया रोजगार मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है खत्म और बड़े फैसले परिवार के साथ ही आपको लेना चाहिए। ऐसे में आपको कन्या राशि है, पूरे साल आपको गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अगर ये अनुष्ठान आपने तय कर लिया और इसको आपने कर लिया, राम कृष्ण विष्णु किसी भी देवता की पूजा आपने कर लिया, तो आप विश्वास करिए, ग्रह स्थिति तो आपके विपरीत है, चलिए ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी उसका उतना बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि के जातकों की बात। तुला राशि वालों को 2024 में किस महीने संभल कर रहना है, किस महीने आपको लेन देन से बचना चाहिए और किस महीने सोच समझ कर बोलना भी आपके लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सोच समझ कर बोलना। तुला राशि वालों के लिए साल 2024 के ये पूरे 12 महीने कैसे बीतेंगे, किन उपायों के साथ आपके काम बन सकते हैं, आइए पंडित जी से समझ लेते हैं। पंडित जी देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे साल आपके व्यय भाव में केतु रहेगा और आपके रोग स्थान में राहु रहेगा, शनि आपके संतान भाव पर है। अगर आप जनवरी के महीने पर खुद पर विश्वास रखें और अपने मन को अपना शत्रु न बनने दें तो आपके जिंदगी में कुछ नई शुरुआत होगी। और एक बात जान लीजिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही होता है, जितने गलत काम होते हैं ना मन ही करवाता है, इसलिए मन पर पूरी सावधानी, बुद्धि का पूरा पहरा लगा दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। फरवरी के महीने में कार्यक्षेत्र में कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मार्च 2024 की बात अगर करें तुला राशि वालों के लिए,
तो बेवजह की भावुकता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिए। रिश्तों में तनाव है तो बातचीत करके उसको सुलझाइए। अप्रैल 2024 की बात करें तो भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करिए, खुद पर भरोसा रखिए, बेकार के काम में एनर्जी बर्बाद ना करिए। मई 2024 की बात है तो मान सम्मान आपको मिलेगा, धन लाभ होगा, निवेश से लाभ भी मिलेगा। जून 2024 की बात करें तो धैर्य रखें, निराश ना हो, नया काम शुरू करने के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। संभल कर भोजन करें और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं। जुलाई 2024 में विवाह का योग बन रहा है, कारोबार में मुनाफा होगा, निवेश के लिए समय अच्छा है, जोखिम भरे फैसले नुकसान करा सकते हैं। अगस्त 2024 की बात अगर करें तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पुराने निवेश से लाभ होगा, चोट लगने की भी संभावना है। सितंबर 2024 में पुरानी बातों को भुलाने का समय है, सलाह लेकर कोई बड़ा निवेश करें, रिस्क लेने से बचें। अक्टूबर 2024 मेहनत का फल आपको मिलेगा, फिजूल खर्ची से बचें, जीवन साथी की मदद करें, दुर्घटना से भी बचने की कोशिश करें। नवंबर 2024 में खर्च संभालें, बुरी संगत से बचें, परिवार की चिंता बढ़ेगी, किसी के बहकावे में ना आए। दिसंबर 2024 की बात है, यात्रा से लाभ मिलेगा, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, जीवन साथी को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, जोखिम लेने या उधार लेने से बचें। आपको पूरे साल को मंगलमय बनाए रखने के लिए दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के जो 108 नाम हैं उनका सुबह शाम पाठ करना चाहिए और भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोनों नवरात्रों में आपको पूरे पूरे व्रत रख करके और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से ये वर्ष भी आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और बिजनेस में प्रॉफिट कौन नहीं चाहता और बिजनेस में नुकसान से बचना कौन नहीं चाहता, इसलिए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 में किस महीने आपको प्रॉफिट होगा, किस महीने नुकसान हो सकता है, तो किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस महीने सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, और किस महीने सारे के सारे काम आपके यूं बन सकते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 के 12 महीने कैसे रहेंगे पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बता दें। देखिए आशा, वृश्चिक राशि के जो जातक है ना, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया चल रही है और शनि देव की स्थिति जो है चतुर्थ भाव में आपके सुख स्थान में है, मूल त्रिकोण का शनि है। लेकिन थोड़ा सा घबराने की बात तो है, अगर आप जनवरी में सतर्क नहीं रहेंगे तो आपकी माँ की सेहत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा और किसी प्रकार के विवाद से अपने को बचा लीजिएगा और विरोधियों से पूरा सावधान भी रहिएगा, यात्रा से लाभ होगा। अगर आप बीमार भी हैं तो ठीक हो जाएंगे, बस किसी विवाद को जन्म मत दीजिएगा। फरवरी 2024 की बात करें तो कारोबार में मुनाफा भी होगा, शेयर बाजार से भी आप लाभ कमाएंगे, नौकरी बदलने के संकेत हैं, सलाह लेकर कहीं पैसा लगाइए, संतान की उन्नति होगी। मार्च 2024 की जो परिस्थिति है आपकी वृश्चिक राशि के जातकों की, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी, कानूनी मामले टलेंगे, सेहत को लेकर के लापरवाही भारी पड़ सकती है, चोट या दुर्घटना के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2024 में संपत्ति या वाहन खरीदने के योग हैं, पैसा खूब आएगा, बचत भी होगी और शादी के लिए भी रिश्ता आ सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मई 2024 की बात है, बड़े निवेश से बड़ा लाभ, धर्म कर्म करें, बहुत बड़ा पद मिलने वाला है आपको इस महीने में, बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, नौकरी में उच्च पद, जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखें। ये मई का महीना एक नया इतिहास आपके जीवन में लिखेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। जून 2024 की बात सुन लीजिए, कार्य क्षेत्र में तकलीफ, अपनों को धोखा आपको नहीं देना है, संतान से सुख मिलेगा, कारोबार में मुनाफा मिलेगा। जुलाई 2024 की बात है तो विवाद तो हो सकता है लेकिन रिश्तों को बातचीत से आप सुलझा सकते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होने के योग हैं। अगस्त 2024 की बात करें तो नौकरी और कारोबार में तरक्की होगी लेकिन विरोधियों का भय ये हर समय आपको सताएगा, सेहत पहले से खराब है तो पूरा सतर्क रहिए,
सितंबर 2024 की बात यह है कि परिवार में खुशियाँ आएंगी, नौकरी में बॉस से कष्ट मिलेगा, विवाह का प्रस्ताव आएगा, खान पान का ध्यान रखिए। अक्टूबर 2024 का मतलब है कि नौकरी में सहकर्मियों से ही दुख मिलेगा, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन संभल बूझ करके अपना आहार विहार रखें वरना पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। खासकर उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है। नवंबर 2024 की बात करें तो आपको नवंबर 2024 में शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, बुरी संगत से बचिएगा और आग बिजली और विस्फोट से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। दिसंबर 2024 की बात करें तो संतान को लेकर के चिंता होगी, जीवन साथी से विवाद होगा, नौकरी में स्थानांतरण होगा, धोखा मिलने का योग है। आपको अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको पूरे साल अपराजिता स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ये अपराजिता स्त्रोत का पाठ करने से आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, आप ही आप विश्व विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सुबह शाम अपराजिता स्त्रोत का पाठ करिए, भगवती अपराजिता की पूजा करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो सतर्कता ही बचाव है, और सतर्कता कैसे होगी जब आगे का आपको पता होगा, इसलिए साल 2024 का पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर आज हम उपस्थित हैं। आइए अब धनु राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आपका फायदा, आपका नुकसान, प्रमोशन, सतर्कता, कब कब जरूरी है, तमाम चीजें पंडित जी धनुराशि के जातकों के लिए। देखो ऐसा, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे साल शनिदेव आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे और सुख स्थान में आपके राहु रहेंगे और अप्रैल तक बृहस्पति भी आपके संतान भाव पे रहेंगे। अब स्थिति ये बनती है कि आपके आजीविका स्थान में केतु है, तो जनवरी का जो महीना होगा ये संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए अनुकूल संकेत कर रहा है। रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में बिल्कुल विवाद से बचिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। फरवरी 2024 की जो बात है उसमें आपके सपने पूरे होंगे, कारोबारी यात्रा से लाभ मिलेगा, नए निवेश से बचिए, सोच समझकर धन का लेन देन करिए। मार्च 2024 की जो बात है इसमें किसी पुरानी गलती की भरपाई करनी पड़ सकती है, प्यार के मामले में बड़े फैसले लेने होंगे, बजट बनाकर चलें। अप्रैल 2024 की जो बात है तो दूसरों की बातों में ना आए वरना पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, कुछ नया सीखने का समय है, किसी को अपना फायदा ना उठाने दें। मई 2024 में डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है, नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं, काम में लापरवाही न बरतें, अलग अलग तरह से धन की प्राप्ति हो सकती है। जून 2024 धैर्य रखिएगा क्योंकि कुछ अच्छा होने का योग बना हुआ है, समय को अपनी कोशिशों से आप बदल सकते हैं। जुलाई 2024 में जरूरी और बेकार की चीज़ों में फर्क करना सीखिए, कार्य क्षेत्र में अपने लिए लड़ना सीखिए, कार्य क्षेत्र या काम में बदलाव संभव है। अगस्त 2024 में खर्च पर नियंत्रण रखिए, संपत्ति खरीदने के लिए महीना अच्छा है और रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए। सितंबर 2024 में रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, अगर शादीशुदा हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में भटकाव न आने दें। सेहत संभालिए, काम में बड़ा बदलाव संभव है, विदेश जाने का योग बनेगा। अक्टूबर 2024 प्यार को खो सकते हैं, सतर्क रहिएगा, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाइएगा, बड़े निवेश से बचिएगा, खर्च संभल कर करिएगा। और नवंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए खुद को ज़्यादा नहीं थकाने देना चाहिए, आसानी से धन लाभ होता रहे, निवेश करने के लिए शुभ महीना है, नए रिश्तों की शुरुआत मत करिए, तनाव से बचिए। दिसंबर 2024 में लाइफ पार्टनर से मुलाकात संभव है, अलग अलग स्रोत से धन लाभ होगा, निवेश से भी मुनाफा होगा, घर में सुख शांति रहेगी, दुर्घटनाओं से बचिए। तो अगर आपकी धनु राशि है और आपका ये साल जो मिला जुला फल दे रहा है, इसके लिए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप राम रक्षा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए और हो सके तो वृंदावन और अयोध्या जाकर के दर्शन पूजन कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
बिना वक्त गंवाए पंडित जी से जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल 2024 के 12 महीने कैसे रहेंगे, कब बिजनेस में मुनाफा मिलेगा, किस महीने प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं और साथ ही किस महीने आपको संभलकर चलना होगा। पंडित जी, मकर राशि के जातकों के लिए कितना खास, कितना शुभ 2024? एक तो साढ़े साथी चले रही है आपके ऊपर, पूरे 2024 साढ़े साथी के चपेटे में आप रहेंगे। दूसरी बात, आप ये भी सुन लीजिए कि आपका राशि स्वामी आपके द्वितीय भाव में है और आपके पराक्रम के स्थान पर राहु है, आपके सुख स्थान में बृहस्पति अप्रैल तक रहेंगे। कुल मिलाकर जनवरी 2024 में खुद पर भरोसा रखो, विवाह का योग बन रहा है और कभी भूल करके भी जनवरी में कोई अगर गैर कानूनी आप काम करेंगे तो समझ लीजिएगा उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। फरवरी 2024 की बात करें तो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों में जो रुकावटें आएंगी उसमें धैर्य रखिएगा। कर्ज या लोन अगर लेना पड़े तो किसी महाजनी लोन से बचिएगा। मार्च 2024 की बात यह है कि धन लाभ तो होगा लेकिन कलह और कलेश से आपको बचना चाहिए। परेशानियां तो आएंगी लेकिन घबराइएगा मत, धैर्य रखिएगा, क्योंकि अप्रैल 2024 का महीना अगर आप दूसरों की बातों में नहीं आएंगे तो खुद परिस्थिति का अगर आप आकलन करेंगे तो रिश्ते जो कड़वाहट भरे हुए हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मई 2024 की बात ये है, अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपना ध्यान मत भटकाइए, दिल के मामलों में संभल कर डिसीजन लीजिए। और जून 2024 का महीना प्लानिंग करेंगे तो हर काम पूरे होंगे। किसी खास से मिलने का समय खुद को ना बांधें। जुलाई 2024 का महीना विवाह का योग बना रहा है, ऐसा कोई फैसला ना ले जो जबरदस्ती लेना पड़े या संकोच में कोई काम ना करें। अगस्त 2024 की बात यह है कि आर्थिक मामलों में धैर्य रखिए, क्रोध मत करिए, कारोबार के लिए महीना एकदम लकी है। सितंबर की बात है तो कारोबार में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा लेकिन अपनों के साथ समय बिताइए, सेहत को हल्के में मत लीजिए। और अक्टूबर 2024 की जहां तक बात है तो अपना व्यवहार सुधारिए, भाग्य साथ देगा, हर रुकावट दूर होगी। नवंबर 2024 में नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, मां को कष्ट, नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, कारोबार में चुनौतियां। दिसंबर 2024 में संपत्ति का सुख मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। रोगी हैं तो अपना ध्यान रखिए। बस ये एक बात जरूर ध्यान रखिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए और पीपल की 7 परिक्रमा करते रहिए और हो सके तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ जरूर करते रहिए। इससे पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बुरे समय को अगर पूरी तरह खत्म नहीं भी किया जा सकता तो भी उसके असर को तो कम किया जा सकता है, प्रभाव पर तो असर पड़ सकता है। कैसे, यही तैयारी आज आपके लिए साल 2024 की पंडित जी बता रहे हैं आपको विशेष रूप से। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत गौर से अपनी राशि देखिए और हो सके तो पेन डाउन कीजिए ताकि किस महीने किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है आपको पता चल पाए। अब बिना देर किए कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा बीतेगा, 2024 के किस महीने खुलेगी आपकी किस्मत, बनेंगे आपके सभी काम, 2024 के किस महीने में फिजूल खर्च हो सकता है और आप परेशान रह सकते हैं। पंडित जी, पूरे साल शनि देव आपकी राशि में रहेंगे, साढ़े साथी से आप गुजर रहे हैं, आपके धन भाव में राहु रहेगा पूरे साल, तो जनवरी 2024 में मेहनत कर रहे हैं लेकिन आमदनी नहीं बढ़ने वाली है, धैर्य रखिएगा, समय आगे चल के ठीक होगा। फरवरी 2024 की बात करूं तो जीवन में कोई खास आने वाला है, आर्थिक लाभ भी होगा और निवेश फायदेमंद साबित होगा, नौकरी की तलाश समाप्त होगी अर्थात नौकरी मिल जाएगी। मार्च 2024 की बात करें तो लक्ष्य से अपने बिल्कुल ना भटकें, काम का फल आपको मिलेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। अप्रैल 2024 का जहां तक प्रश्न है तो ये कुंभ राशि के जातकों के रिश्तों में अस्थिरता आएगी, नौकरी बदलने का योग बन रहा है, मान सम्मान बढ़ेगा, भरपूर नींद लीजिए। मई 2024 में किसी की तरफ आकर्षण बढ़ेगा लेकिन घर में कलेश होंगे, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जून 2024 में घर और मन में सुख शांति, रिश्ता जुड़ने का योग, सेहत का ध्यान रखिए।
जुलाई 2024 आप कुंभ राशि के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखने का संकेत देता है। कार्य क्षेत्र की बड़ी मुश्किलों का समाधान आपको मिलेगा। अगस्त 2024 लक्ष्य तक पहुंचेंगे, प्यार मिलेगा, कारोबार में बदलाव होंगे, अपनों को समय दीजिए। सितंबर 2024 पैसों के मामले में दिक्कतें आएंगी, आपके मालिक से आपके विवाद के योग बन रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। अक्टूबर 2024 परिवार के साथ खर्च को संभालने की कोशिश करिए, सेहत का साथ मिलेगा, संतान सुख का भी योग बना हुआ है। नवंबर 2024 जीवन साथी का साथ मिलेगा, विवाह के योग और कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ के योग बनेंगे। दिसंबर की बात है 2024 की, तो राहु, केतु, शनि ये सब आपके सेहत को बिगाड़ेंगे, तनाव भी दे सकते हैं, बुरी संगत और जोखिम भरे कार्यों से आपको बचना चाहिए। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ, पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके जरूर करिए। एक घी का दिया जलाइए, लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गंवाए पंडित जी से अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए भी साल 2024 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, कब आपको बिजनेस में मुनाफा मिल सकता है, किस महीने नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, किस महीने संभलकर चलना होगा, तमाम उपाय भी आपके लिए पंडित जी। मीन राशि देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2024 के महीने में अगर आप शांत रहेंगे तो जीवन में आपके कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। समय का सदुपयोग करिएगा और अपने धैर्य को जरूर आजमाइएगा, सेहत संभालिएगा, अपनी कमियों को सुनने की आदत डालिएगा। फरवरी 2024 में किसी की मदद करिएगा, सेहत और पैसों के कारण थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, किसी व्यक्ति से भी आपको कष्ट मिल सकता है। मार्च के महीने में संभल कर खर्च करिए, अवसरों को हाथ से जाने ना दें, दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें। अप्रैल 2024 में ये शनि की जो साढ़े साथी चल रही है, इसके कारण वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है, कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाना होगा, लोगों से उम्मीद करना कम कर दीजिए। मई 2024 में काम बेहतर होगा, मेहनत करेंगे, नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं आएगी, दूसरों को भी क्रेडिट दें। जून 2024 में प्यार मिल सकता है, कारोबार में लाभ मिलेगा, आमदनी अच्छी रहेगी, आलस्य छोड़िए, अपनों के करीब रहने की कोशिश करिए। जुलाई 2024 में खान पान का ध्यान रखिए, किसी को खुद का अपमान करने की इजाज़त मत दीजिए, कुछ को प्यार मिलेगा तो कुछ प्यार से दूर भी हो सकते हैं। देखिए, ट्रांजिट के आधार पर तो अगस्त 2024 का महीना आपको आर्थिक संकट से बचना है, पैसे की बड़ी किल्लत हो सकती है और आपको अपने में अंदर बदलाव भी करने होंगे, परिवार का साथ मिलेगा, सही जगह पर सही फैसले लेने होंगे। सितंबर 2024 में वैवाहिक जीवन में कलेश, गंभीर मुद्दों पर इस महीने डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। और अक्टूबर 2024 के महीने में कुंभ मीन राशि के जातकों को अपनों से विचारों में मतभेद नहीं आने देना चाहिए, बचत और निवेश करने का समय है, फैसला लेते समय अपने मन की जरूर सुने, अगर मन कह रहा है कि ये काम ना करो तो ना करो। नवंबर 2024 में प्यार और कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी, कारोबार के भविष्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, महीने के अंत में थोड़ा सा अच्छी बात आपको दिखाई देगी। जहाँ तक दिसंबर 2024 की बात है, बच्चों की संगति का ध्यान रखिए, शादी के लिए रिश्ते आएंगे, कानूनी मामलों में कष्ट होगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। आपको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ बैठकर 10 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं, हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाना है और हनुमान जी के मंदिर से ही थोड़ा सा सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगवाना है। अगर ये उपाय आप पूरे वर्ष करते रहेंगे तो आप शनि के साढ़े साथी के भी दोष से बच जाएंगे और राहु केतु के भी बैड इफेक्ट से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये 12 राशि वालों के लिए 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया, लेकिन पंडित जी मैं बहुत विश्वास करती हूँ ज्योतिष शास्त्र में और
हमारे देश में आधा लोग हैं जो विश्वास रखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत देखी है जो प्रायः लोगों के मन में विचार आता है कि लोग जानना नहीं चाहते आगे क्या होने वाला है। उसका एक कारण ये कि कई बार अच्छी चीज़ें होने वाली होती हैं तो सोच के थोड़े हमारे कर्म पे असर पड़ जाता है, हम अपने आप को खींच लेते हैं कि अच्छा तो लिखा हुआ है, और अगर बुरा है तो वो डर डर के पहले और बुरा हो जाता है। कई बार लोग इस वजह से भी इन बातों से दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे और इसका प्रभाव वाकई होता है क्या? देखो बेटा, अगर कोई बुरी बात आपको पहले पता चल गई तो इसका मतलब कि वो बुराई रुकने वाली है। जैसे मार्कंडेय ऋषि को पहले पता हो गया था, मेरकुंडू ऋषि को, कि 5 साल में लड़का मरेगा, तो उन्होंने तैयारी कर ली, सनत सनंदन सनत कुमार से आशीर्वाद दिलवा करके चिरंजीव भव का, और भगवान शिव के शिवलिंग को पकड़ कर बैठा दिया और भाग गए यमराज, और बच गई उनकी जिंदगी, 10,000 वर्ष की उनकी आयु हो गई। इसी तरह से अगर किसी चीज़ का पूर्वाभास हो जाए कि हमारे लिए ये खराब है, तो हम उसमें उपाय भी तो बता रहे हैं ना। अगर उस उपाय को आप कर लेंगे तो आपका आने वाला समय जरूर खराब है, लेकिन उपाय को करने से आपको राहत तो मिलेगी ना। आप उस देवी देवता की उपासना करके आप परिस्थितियों को चेंज तो कर सकते हैं। देखो, हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी नहीं हैं कि जो हमारा प्रारब्ध लिख गया है वही होगा। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है ना। अगर हमें यह है कि हमारा किसी से विवाद हो सकता है, हम विवाद ही नहीं करेंगे। आप हमको 2 गाली देंगे, हम कहेंगे भैया प्रभु आपका मंगल करें, आप आज गुस्से में हैं इसलिए आप ऐसा कह दिए, आपका मन तो कभी मुझे गाली देने का नहीं हो सकता है, मुझे पता है, आप चलिए रास्ता निकालिए। तो कहने का मतलब है जो हम सनातन धर्म के उपाय बता रहे हैं, हम केवल आपको भविष्यवाणी नहीं बता रहे हैं, पूरा साल आपका कैसे मंगलमय रहेगा उसका एक ठोस उपाय भी दे रहे हैं, और उस उपाय के करने के बाद फिर आपके जीवन में टेंशन की कोई जगह नहीं है। भावी मेट सकल त्रिपुरारी, सकल अमंगल मेटनहारी, सब कुछ बुरा अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चाहे आप अच्छा सोचें या फिर बुरा, सब कुछ कर्म पर ही डिपेंड करता है, इसलिए जानने में भी कोई बुराई नहीं है लेकिन कर्मों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए, साल 2024 का पूरा लेखा जोखा 12 राशि वालों के लिए, 12 महीनों का लेखा जोखा पंडित जी ने विस्तार से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत लाभ इससे हो, आपके जीवन में शुभता ही शुभता हो। और आज हमारे दर्शकों को पंडित जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल कालचक्र में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही, लेकिन कल नए साल पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें, और इसलिए कल देखना बिल्कुल मत भूलिए कालचक्र भविष्यवाणी 2024। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।